ओके गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाला बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें और लेफ्ट साइड जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल करें ताकि फ्यूचर में कोई भी डालो आपको बेल नोटिफिकेशन आ जाए और अपडेट रहे इस चैनल के साथ। हे गाइस, दिस इज आजिस हियर और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में MIUI 10 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं बिना रूट किए, बिना रिस्क को उठाए और बिना रोम को इंस्टॉल किए। आप इसे कैसे कर सकते हैं, आपको अनलॉक बूट लोडर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसे इनेबल करने के लिए। तो आप इसे MIUI 10 अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये रिसेंटली ही लॉन्च होने वाला है, इनेबल कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना है, बिना रूट किए इसे आप इनेबल कर सकते हैं। देख पा रहे हैं कि मेरा स्टेटस बार आइकन और नोटिफिकेशन पैनल काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है MIUI 10, मिलता ही नहीं, सेम टू सेम ट्रू कॉपी है MIUI 10 का ही। आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे टॉगल्स देखने को लग रहा है, कितने ज़्यादा आपको वॉल्यूम स्लाइडर की अगर बात करें तो वॉल्यूम स्लाइडर काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है कि आप इसे स्लाइड करेंगे तो स्लाइड हो जाएगी। अगर लॉक स्क्रीन में भी आप इसे देखना चाहें तो लॉक स्क्रीन में आपको ऑलमोस्ट सेम टू सेम MIUI 10 की तरह मिलता जुलता है और ज़्यादातर लॉक स्क्रीन में आपको कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी। और अगर बात की जाए इसके रिसेंट ऐप में तो रिसेंट ऐप की बात की तो फुल टू फाइनल आपको MIUI 10 का लुक एंड फील देगा क्योंकि आपके फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा अवेसन बना सकता है और काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज कर सकता है ये MIUI 10। आप देख पा रहे हैं अगर इसे अगर लॉक स्क्रीन से अगर मैं वॉल्यूम उसको स्लाइड करता हूँ नोटिफिकेशन पैनल को, आप देख पा रहे हैं कि टोटल क्रिस्पी लुक दे रहा है MIUI 10 के तरह। और अगर यहाँ से टॉगल की बात करें नोटिफिकेशन टॉगल की बात की तो हद से ज़्यादा मिलता जुलता है MIUI 10 के तरह। अगर कोई न्यू बंदा अगर आपके फ़ोन को देखता है तो वो पकड़ ही नहीं पाएगा कि यह MIUI 10 है या फिर MIUI 9 है। अगर वो सेटिंग्स चेक करेगा तो पर भी आप उसे वो नहीं पकड़ पाएगा कि ये थीम आपने कहाँ से इंस्टॉल किया। हाँ, आपने सोचना कि ये एक थीम है। अगर बात करें तो MIUI 9 का जो डिफ़ॉल्ट थीम Xiaomi का जो आता है, जो काफ़ी बड़े बड़े आइकन रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े स्टेटस बार देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छा है देखने में नहीं लगता है, तो इसे आप कैसे इनेबल कर सकते हैं और अपने फ़ोन में MIUI 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देन सबसे पहले आपको जाना होगा अपने फ़ोन में आपने क्लिक करना होगा थीम्स में। देन आपको थीम्स में जैसे ही आप चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको सर्च बार में जाना है, आपको दिख जाएगा सर्च बार, वहाँ पर सर्च बार में क्लिक करना है Perfect TT जो मैंने सर्च किया है। आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा मैंने Perfect TT सर्च किया है, जो मैंने सर्च किया वही आपको सर्च करना है। और सबसे पहला ऑप्शन जो आ जाता है Perfect TT का जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर शो कर रहा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में तो आप इसे सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। देख पा रहे हैं ये Perfect TT आपकी 5.5 MB की है ये अपनी थीम्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज कर देता है अपने फ़ोन को और आपके फ़ोन को MIUI 10 बना देता है। आपको इसे अप्लाई कर लेनी है डाउनलोड करने के बाद और आप सिंपली इसमें आप MIUI 10 में आप इनेबल हो जाएंगे। जैसे ही आप इनेबल हो जाते हैं तो आपको अपने फ़ोन में देखने को मिलेगा MIUI 10 जो कि काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता देखने को है। और MIUI 10 का आइकन, स्टेटस बार, यहाँ तक कि नोटिफिकेशन पैनल की बात करें, नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आता है तो वो भी आपको MIUI 10 की तरह आएगा। अगर आप कुछ सर्च बार में भी जाते हैं तो MIUI 10 के तरह ही आपको देखने को मिल जाएगा, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि MIUI 10 है या फिर MIUI 9। सब आपसे पूछेंगे ये आपने कैसे इंस्टॉल किया। अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको किस किस ने पूछा कि आपके फ़ोन में ये MIUI 10 कैसे आ चुका है। देन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है थीम के, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।